बात करने वाले हैं RGIPT अमेठी के बारे में। ये आपका एक बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलेज है और बहुत कम लोग इस कॉलेज के बारे में जानते हैं, तो आज इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। स्पेशली जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, तो पेट्रोलियम के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें से जैसे UPS देहरादून है, स्पेशली पेट्रोलियम के लिए ज़्यादा स्पेशल कॉलेज माना जाता है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको पेट्रोलियम ब्रांच अवेलेबल मिल जाती है। लेकिन ये कॉलेज इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है, इसमें जो आपका पेट्रोलियम ब्रांच में एडमिशन होता है वो आपका JEE एडवांस के थ्रू होता है। लेकिन JEE मेंस वाले बच्चे भी अब यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि इनका एप्लीकेशन जब स्पॉट राउंड के जो एडमिशन होते हैं, जब सीटें लास्ट में रह जाती हैं, कुछ वैकेंट सीट बचती हैं, तो वहाँ पर ये JEE मेन वाले बच्चों को भी मौका देते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल सेपरेट अप्लाई करनी पड़ती है, इनकी अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आती है, उसको आपको फिल करना होता है। तो चलिए इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और ये जो भी 23 सेशन में बच्चे काउंसलिंग कराने वाले हैं उनके लिए क्यों कॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ है 2007 में और एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पेशली इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया है। इसका पर्पज ये है कि यहाँ से जो भी रिसर्च स्कॉलर है पेट्रोलियम में, काफ़ी रिसर्च स्कॉलर अच्छे इंजीनियर यहाँ से प्रोड्यूस किए जा सकें, इसलिए इसका एडमिशन मोड जो था वो JEE एडवांस के थ्रू रखा गया था, ताकि एक जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो मतलब आपके एडवांस क्वालिफाइड JEE मेन क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, वो वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर पाएँ। फिलहाल JEE मेन वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और पेट्रोलियम के लिए स्पेशली ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है क्योंकि प्लेसमेंट में यहाँ पर टॉप की जो कंपनीज हैं, कुछ भारत सरकार के PSUs हैं, जैसे आपका IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, आपका जियो बीपी हो गया, और बहुत सारे आपके PSUs हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं जो यहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट लेती हैं, जबकि आपको उन कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए कहीं ना कहीं MTech या PhD, बहुत सारे PhD कैंडिडेट्स, MTech कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ से आपके पास अच्छा मौका होता है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन सारी कंपनीज में डायरेक्ट एंट्री का बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर बीटेक में, पहले यहाँ पर बीटेक में सिर्फ केमिकल और पेट्रोलियम ब्रांच थी, लेकिन अभी आपको बीटेक में लगभग 10 ब्रांचेज यहाँ पर रनिंग है, प्रॉपर 10 ब्रांचेज यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा बीटेक के अलावा यहाँ पर MBA भी है, MBA इन एनर्जी ट्रांजिशन, ये आपका एक स्पेसिफिक MBA है। अगर आपकी कोई भी नॉलेज में कोई कैंडिडेट MBA करना चाहता है तो MBA इन एनर्जी ट्रांजिशन, ये आपका एक स्पेसिफिक ब्रांच यहाँ पर है जहाँ जो आपको RGIPT के अंदर मिल जाती है। MTech है, PhD है, PhD भी कई सारे यहाँ पर लगभग 64 स्कॉलर्स हैं, 64 कैंडिडेट हैं जो PhD में रिसर्च कर रहे हैं, PhD यहाँ से कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट इनटेक की, कितनी ब्रांचेज हैं बीटेक में, स्पेशली बीटेक के कंटेक्स्ट में कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी सीट्स हैं, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्रांच यहाँ पर आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ से काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पर विजिट करने आती हैं, प्लेसमेंट्स कंप्यूटर साइंस का भी बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 60 सीटें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिल जाती हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी आपको 30 सीटें लगभग 30 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 60 सीट यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। CSIT में लगभग 60 सीट, मतलब 120 सीट आपको सॉफ्टवेयर ब्रांच में मिल जाएंगी, जो भी बच्चे सॉफ्टवेयर में या CSIT टारगेट करके आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो ब्रांच है उसमें आपको 50 सीट्स हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसमें भी आपके यहाँ पर 60 सीटें अवेलेबल हैं। रिन्यूअल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूअल एनर्जी इंजीनियरिंग में 30 यहाँ पर 30 सीट्स हैं। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनकी रैंक ज़्यादा होगी, 3-4 लाख रैंक तक होगी, 4.5 लाख रैंक तक होगी, तो यहाँ पर पिछले सालों में एडमिशन लगभग 4 लाख रैंक तक आपको मिला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एडमिशन यहाँ पर 4 लाख रैंक के अंदर जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर एडमिशन मिला हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आप ब्रांच में भी अगर आपको थोड़ा आपको लगता है कि आप प्रेफरेंस दूसरी भी ले सकते हैं तो आप और दूसरी ब्रांचेज में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या रिन्यूएबल एनर्जी में आप जा सकते हैं, इनमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट आपका बात करें, कुछ यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, जैसे बीटेक प्लस MBA या बीटेक प्लस MTech, आपको डुअल डिग्री जो प्रोग्राम होता है उसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। जोसा की काउंसलिंग में भी काफ़ी सारे NITs में डुअल डिग्री प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। स्पेशली डुअल डिग्री प्रोग्राम में 5 ईयर की पूरी आपको डिग्री होती है, इसमें बीटेक प्लस MBA या बीटेक प्लस MTech जो भी आपका ऑप्शन होगा उस कॉलेज में, वो वहाँ पर 5 ईयर प्रोग्राम आपको कंप्लीट होकर मिलता है। RGIPT में बीटेक प्लस MTech आपको यहाँ मिल जाता है, जहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और MTech में जो आप ब्रांच लेंगे, MTech जब आपका होगा जाके, यहाँ पर जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसमें टोटल 70 सीट्स हैं, जिसमें 40 सीट्स हैं आपका कंप्यूटर साइंस, विद MTech में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका MTech रहेगा। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में यहाँ पर दो आपको टोटल जो सीट्स मिलती हैं वो 70 सीट्स हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, जो आपका सेम प्रोसेस से ही एडमिशन लिए जाते हैं, आपका जो JEE मेंस होगा उसके बेसिस पे ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे।
और यहाँ पर जियो साइंस एनर्जी भी है, उसमें भी आपको यहाँ पर 30 सीटें मिल जाती हैं। फिलहाल ये ब्रांच थोड़ी सी उतनी पॉपुलर नहीं है या लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अदर ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस वाले में 5 ईयर वाले प्रोग्राम में भी आप एडमिशन यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बात करें फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, तो जनरल यहाँ पर दो मोड में आपका फीस स्ट्रक्चर है। जनरल ओबीसी के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है। अगर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं तो 118,300 है, 118,300 रुपये पर ईयर। इसके अलावा जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए 93,300 यहाँ पर फीस आपकी लगने वाली है। अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम में लेते हैं वहां पर भी आपको सेम फीस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करा रहे हैं सबका एक है कि यार अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, बढ़िया कंपनी में हमें जाना है। तो यहाँ पर कंपनीज आपकी बहुत मैटर करती हैं। किसी भी कॉलेज में आप जहां भी पढ़ने वाले हैं, अगर आपको प्लेसमेंट कहीं पर 5 लाख 6 लाख बोला भी जा रहा है तो आप एक बार ये जरूर ध्यान रखिए कि वहां पर आप कंपनीज की लिस्ट जरूर मांगिए या कंपनीज के नाम जरूर मांगिए कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आई हुई है, और इसके साथ साथ आप प्लेसमेंट का एक रिकॉर्ड जरूर मांगिए। फिलहाल ये तो कॉलेज जो RGIPT है ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर एज सच रिकॉर्ड के मामले में कुछ चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बट स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाने वाले हैं तो आप जरूर ये सर्च कीजिए कि वहाँ पर कितनी कंपनीज एक्चुअली में आ रही है। वहाँ के स्टूडेंट से कोशिश करिए बात करने की, अगर बच्चों से बात हो सकती है, अदरवाइज आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज का रिव्यू या फीडबैक चाहते हैं कि सर ये कॉलेज कैसा है, वहाँ पर प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स कैसे हैं, तो उसमें हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। प्राइवेट कॉलेज में भी ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज खराब नहीं है, या फिर डिपेंड करता है आपकी रैंक अगर अच्छी है तो आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। अगर आपको एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज को ऑप्शन भी बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं वो बहुत ही शानदार कंपनियाँ आती हैं, बहुत ही बढ़िया कंपनियाँ आती हैं, जिनमें आपको प्लेसमेंट में कई बार स्टूडेंट को एमटेक करना पड़ता है या एमटेक में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है। कई सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एमटेक किया और एमटेक में बहुत काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी एडिशनल, उसके बाद जाकर के उनको प्लेसमेंट मिला। जैसे कि काफ़ी भारत सरकार के जो कुछ PSUs हैं जिसमें आपका IOCL आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, भारत पेट्रोलियम आता है, आपका ONGC आता है, ऐसे कई सारे भारत सरकार के PSUs हैं जहां पर आपको आसानी से डायरेक्टली UG कंप्लीट करने के बाद आपको एक मौका मिलता है कि वहां पर आप जॉब कर पाएं, प्लेसमेंट ले पाएं। और इन PSUs में काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज होता है, काफ़ी अच्छी आपको सर्विसेज और सपोर्ट दिया जाता है। यहाँ पर और भी कई ब्रांचेस हैं तो उसके लिए आपकी डिफरेंट कंपनीज हैं, बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ पेट्रोलियम के कंटेक्स्ट में तो पेट्रोलियम में आपकी जो कंपनीज, आपका रिलायंस हो गया, भारत पेट्रोलियम है, अब किसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ONGC है, गेल है, GOBP है, आपका कैस्ट्रोल इंडिया है, इस तरीके के काफ़ी सारे टॉप रिनाउंड कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। अब यहाँ पर जो एक एवरेज या हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो पैकेज का बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है या इन्होंने शो नहीं किया है। फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर जगह पे ज़्यादा पैकेज के बारे में नहीं बताया जाता है। फिलहाल फिर भी यहाँ पर जो एक फीडबैक है या रिव्यू है डिफरेंट सोर्सेज से वो ये है कि यहाँ पर लगभग 7 लाख का आपको एवरेज पैकेज ऑफर हो रहा होता है। कॉलेज या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।